हेलो डियर फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं महाराष्ट्र की बहुत ही स्पेशल स्पेशल डिश पाव भाजी ये रेसिपी इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है इतनी यमी बनती है इसे आप कभी भी बनाकर खाइए लंच में खाइए ब्रेकफास्ट में खाइए इसे खाकर आपका कभी भी मन नहीं भरेगा ये इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है और आप देख सकते हो कि हमारा जो पाव है वो बिल्कुल लबालब बना है एकदम सॉफ्ट बना है तो मैं आपको तोड़ दिखा देती हूँ कि कितना बढ़िया है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है इसकी एक एक बाइट को आप फुल एंजॉय करने वाले हो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है और इस वीडियो में मैं आपको फुल इसकी रेसिपी दे रही हूँ तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं तो सबसे पहले हमने यहाँ पर कढ़ाई में लिया है रिफाइंड ऑयल रिफ़ाइंड ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है तो अब हमने इसमें डाल दिया है शाही जीरा और इसे अच्छे से चटकने दिया है जब जीरा अच्छे से चटक जाए तब हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च शिमला मिर्च को हमने बिल्कुल फाइनली चॉप किया है तो सब्जियों को भूनने की सारी प्रोसेसिंग हम हाई फ्लेम पे करेंगे क्योंकि आपने देखा होगा कि मार्केट में जब भी हम पाव भाजी खाने जाते हैं तो वो कुकिंग जो है बिल्कुल हाई फ्लेम पे करते हैं तो शिमला मिर्च को हमने हाई फ्लेम पे भूनना है इसे बहुत अच्छा मीठा सा फ्लेवर देती है जो खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है तो शिमला मिर्च हमने भून ली है उसके बाद हम इसमें डाल देंगे फाइनली चॉप की हुई कैरेट और इसे भी हमने भून लेना है अच्छा सा पाव भाजी बनाने के लिए आप आयरन की कढ़ाई का यूज़ करें क्योंकि आयरन की कढ़ाई में इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा सा निखर कर आता है अगर नहीं है तो फिर आप इसमें एलुमिनियम या फिर स्टील की कढ़ाई में भी बना सकते हो तो अब हम इसमें डाल देंगे दो चॉप की हुई ग्रीन चिलीज़ तो इसे भी हम हल्का सा एक से आधा मिनट के लिए भून लेंगे तो जैसे ही हमारी ग्रीन चिल्ली भून जाए अब हम इसमें डाल देंगे हाफ कप चॉप की हुई पत्ता गोभी और पत्ता गोभी को भी हमने हाई फ्लेम पर एक से डेढ़ मिनट के लिए अच्छा सा भून लेना है पाव भाजी बनाने के लिए आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल इसमें ऐड कर सकते हो या फिर जो आप वेजिटेबल आपको इसमें से नहीं पसंद उसे आप स्किप कर सकते हो तो देखिए पत्ता गोभी को भी हमने बिल्कुल हल्का सा अच्छा सा भून लिया है अब हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर इससे इसका जो है कलर बहुत बढ़िया आता है ये कम तीखी होती है बट इससे जो इसका टेस्ट है और जो इसका कलर है वो बहुत ही बढ़िया आ जाता है तो अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है तो आप इसे ज़रूर डालें तो मिर्ची को हमने अच्छे से मिला दिया है तो अब बारी आती है इसमें टमाटर डालने की हमने यहाँ पे दो बड़े टमाटर को फाइनली चॉप कर लिया था तो टमाटर को भी हमने सब्जी में अच्छे से मिक्स कर देना है टमाटर को अच्छे से गलाने के लिए और जल्दी से गलाने के लिए हम यहाँ पे सॉल्ट ऐड कर देंगे सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर दें तो सॉल्ट डालने के बाद भी हम टमाटर को थोड़ी देर के लिए अच्छे से भून लेंगे और इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे तो हमने इसमें सॉल्ट को अच्छे से ऐड कर दिया है तो अब हम इसमें डाल देंगे उबले हुए ग्रीन पीस यहाँ पे हमने एक कटोरी ली है और इसे हमने अच्छे से बॉयल कर लिया है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए तो इसे भी हम टमाटर के साथ ही भून लेंगे जैसे जैसे टमाटर भूनते जाएंगे हमारे जो मटर है वो भी और सॉफ्ट होते जाएंगे तो इसे हम तकरीबन दो से तीन मिनट के लिए अच्छा सा भून लेंगे तो आप देख सकते हो कि टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं तो अभी हमने इन्हें मैश करना है तो इसे हम स्टार्टिंग में ही मैश कर लेंगे अब कोई भी जो हैंड मैशर है या फिर आपके पास जो भी पटाटो मैशर है उसके साथ इसे आप अच्छा सा मैश कर लें हमने इसे इतना मैश करना है कि जो हमारी सब्जियाँ हैं वो बिल्कुल एक जैसी हो जाए अच्छी सी मैश करनी है तो अगर आप इसे स्टार्टिंग में कर लेते हो तो बहुत बढ़िया रहता है क्योंकि स्टार्टिंग में इस वक्त सब्ज़ियाँ कम हैं तो इसे मैश करना बहुत ही अच्छा है तो इसे हम तकरीबन तो चार से पांच मिनट के लिए अच्छा सा मैश करेंगे जिससे कि सब्जियां बिल्कुल अच्छी सी हो जाएं। तो आप देख सकते हो कि सब्जियों को हमने बहुत ही अच्छे से मैश कर लिया है बिल्कुल अच्छे से मैश किया है तो अब बारी आती है इसमें आलू डालने की चार आलू को हमने अच्छे से बॉयल कर लिया था एक विसल आने तक और उसके बाद हमने इसका छिलका उतार कर इसे अच्छे से मैश कर लिया था आलू को हमने इतने अच्छे से मैश करना है कि इसमें कोई चंक वग़ैरह ना रह जाए तो देखिए इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो आलू को भी हम मैशर की सहायता से ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि हमारी सब्जियां ऑलरेडी मैश हुई हैं तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा तो एक बार इसे हम एक से दो मिनट के लिए अच्छा सा आलू मैशर के साथ इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो आप देख सकते हो कि हमने जो है बहुत बढ़िया से आलू को सब्ज़ी के बीच अच्छे सा मिक्स कर दिया है तो आलू हमारे मिक्स हो चुके हैं अब हम इसमें डालेंगे चाट मसाला एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर आधा चम्मच कोरिएंडर पाउडर एक चम्मच और साथ ही हम इसमें डाल देंगे पाव भाजी मसाला एक चम्मच तो सारे मसाले हमने इसमें ऐड कर दिए हैं तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो सभी मसालों को हमने इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है तो अब आ रही आती है इसमें पानी डालने की तो हम इसमें पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके एक बार में हमने पानी नहीं ऐड करना जितनी हमें इसकी रिक्वायरमेंट लगेगी उसके हिसाब से हम इसमें पानी ऐड करेंगे पानी ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे तो आप देख सकते हो कि हमारी जो भाजी है वो अभी भी थिक लग रही है तो एक कप के करीब अब इसमें हम पानी और ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हमने तकरीबन डेढ़ ग्लास पानी यूज़ किया है तकरीबन आप कह सकते हो कि तीन कप पानी इसमें जा चुका है तो ग्रेवी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो अगर आपको इससे ज़्यादा पतली पसंद है तो आप इसमें थोड़ा बहुत पानी और ऐड कर सकते हो तो पानी ऐड कर देने के बाद हमने इसे तकरीबन चार से पाँच मिनट के लिए अच्छा सा बॉयल आना है तो आप देख सकते हो कि हमारी जो भाजी में जो है बहुत अच्छा सा बॉयल आ चुका है तो बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है तो ये देख सकते हो कि भाजी हमारी बिल्कुल अच्छे से बनी है जैसे ही हमारी भाजी में अच्छे से बॉइल आ जाता है हम इसमें डाल देंगे फाइनली चॉप किया हुआ कोरिएंडर तो इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे तो आप देख सकते हो कि हमने जो है भाजी में धनिया को अच्छे से मिक्स कर दिया है तो ये हमारी पाव भाजी की जो बेसिक सब्जी होती है वो बनकर तैयार हो चुकी है तो अभी हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे तो इसके तड़के की तैयारी करते हैं जल्दी से तो यहाँ पे हमने एक पैन में लिया है रिफाइंड ऑयल एक चम्मच और इसे हमने गर्म होने के लिए रख दिया है जैसे ये गर्म हो जाएगा हल्का सा अब हम इसमें डाल देंगे बटर तो यहाँ पे हमने एक चम्मच बटर डाल दिया इसमें बटर को हमने हल्का सा मेल्ट होने देना है बटर आप इसमें जितना चाहो उतना ऐड कर सकते हो बटर बिल्कुल आप पे है आपको कितना बटर खाना पसंद है जैसे ही बटर अच्छे से मेल्ट हो जाता है हम इसमें डाल देंगे एक चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर गैस का फ्लेम हमने बिल्कुल लो रखना है इसे लो फ्लेम पे हमने कुछ सेकंड के लिए पका लेना जैसे ये पक जाती है हम इसमें डाल देंगे फाइनली चॉप किए हुए एक अनियन और इसे हमने अच्छा सा भून लेना है इसे हम लाइट पिंक होने तक भुनेंगे हम इसे डार्क ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे कसूरी मेथी और इसे भी अच्छा सा भून लेंगे तो जैसे ही हमारी कसूरी मेथी अच्छे से भुन जाए अब हम इसमें डाल देंगे भाजी जो हमने पहले से ही तैयार करके रखी है तो आप देख सकते हो कि तड़का लगाने के बाद जो हमारी भाजी है वो कितनी बढ़िया होगी है और आप इसका कलर देख सकते हो और इसे आप देखकर कह नहीं सकते कि आपने जो है इसे घर पे ही बनाया है घर पे भी इतनी बढ़िया भाजी जो है बन सकती है वो आप सोच भी नहीं सकते तो भाजी को हमने बिल्कुल अच्छे से रेडी कर लिया है तो अभी बारी आती है इसके लिए पाव सेकने के लिए तो पाव सेकने के लिए हमने यहाँ पे तवे पे बटर को मेल्ट होने के लिए रख देना है तो जैसे ही हमारा जो बटर है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए तो अब हमने पाव लिए हैं और पाव के बीच हमने थोड़ी सी सब्जी लगा दी है आपने देखा होगा कि जब भी हम मार्केट्स में खाने जाते हैं तो वो बिल्कुल ऐसे ही इसके बीच में पाव के बीच में थोड़ी सब्जी लगा देते हैं जिससे जो है पाव के बीच भी सब्जी का फ्लेवर आता रहता है जो खाने में बहुत बढ़िया लगता है तो बिल्कुल मार्केट स्टाइल ही हमने आपको बताया है तो इसे हमने बटर लगा के चारों तरफ अच्छा सा सेक लेना है जितना हमारा अच्छा पाव सिका होगा सॉफ्ट होगा वो भाजी के साथ खाने में उतना ही बढ़िया लगेगा तो देखिए हमने इसे चारों तरफ से अच्छा सा बटर लगा के सेक लेना है तो ये देखिए हमारा जो पाव है वो बहुत बढ़िया सा सिक चुका है तो अभी बारी है इसे जल्दी जल्दी से सर्व करने की तो लीजिए हमने पाव भाजी को सर्व कर दिया है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है आप भी इसे एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें